हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे सरदार सरोवर डैम के बारे में, जो कि गुजरात में स्थित है या गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया तालुके के नवा गांव में स्थित है। इस डैम की कुल ऊंचाई 163 मीटर है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 5.760 क्यूबिक किलोमीटर है। इस डैम की कुल लंबाई 1210 मीटर है और यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा 2017 में इनॉग्रेट किया गया था। यह एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है और इसे नर्मदा नदी पर बनाया गया है। डैम की सरफेस एरिया 375.33 स्क्वायर किलोमीटर है और डैम का कैचमेंट एरिया 214 रनिंग किलोमीटर है और इसे सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ऑपरेट करता है तथा इसमें जो हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न होती है उसकी कैपेसिटी 1450 मेगावाट है। इसी डैम से नर्मदा कैनाल के नाम से सिंचाई और पीने के पानी की परियोजना चलाई गई है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन चार राज्यों में फैली हुई है। इस परियोजना के तहत गुजरात में 9490 गाँव और 173 अर्बन सेंटर्स तथा राजस्थान में 1336 गांव और 3 टाउन और अगर बड़े सिटीज़ की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और भरूच, इन सभी जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, उसे यहां से सिर्फ 3.2 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। इस डैम पर और स्टैचू ऑफ यूनिटी पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और इस तरह के रोचक वीडियो और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें तथा दोस्तों को भी कराएं। थैंक यू।